नमस्ते अफरोज जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कैसे हिंदी, उर्दू भाषा और साहित्य की ओर आकर्षित हुए। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें बुलाया, धन्यवाद। मुझे हिंदी उर्दू का फैशन रहा है बचपन से ही। मैं बचपन से ही हिंदी उर्दू की तरफ मायल था। मेरे माँ बाप चाहते थे कि ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं और समथिंग लाइक दैट। साइंस में मेरा बहुत अच्छा खासा हाथ था और मैं अच्छे खासे नंबर लाता था, लेकिन मेरा रुझान जो उस तरफ था जहाँ पर कि पोइट्री या लिटरेचर या कल्चर की बात हो रही है। एक दिन क्या हुआ, जब मैं जियोलॉजी से, वो जमाना था जब मैं जियोलॉजी से बीएससी कर रहा था, तो मैं मिनरल जो होते हैं, मिनरल माइक्रोस्कोप में देखकर उसके जो रंग बदलते हैं उस पर मैं शायरी करता था, उस पर मैं पोइट्री लिखता था। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे देखा, मुझसे कहा, बेटे देखो ऐसा है, तुमको उससे शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले तुम बेटा बिल्कुल परवाह मत करो कि साइंसेस में तुम्हें जाना जरूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूं तुम्हारी पोइट्री और तुम्हारा रुझान वो लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर में ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी पोइट्री बहुत मंजी हुई है, बहुत अच्छी है। जब मैं बच्चा था उस जमाने में, तो मुझे ये बात समझ में आई थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि क्या कह रही थी मेरी माँ कि शादी उससे करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। तब बाद में मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे करियर वही चुनना चाहिए, अपनी जिंदगी के जो काम वही चुनने चाहिए जो मैं पसंद करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें पैसा ज्यादा है उस तरफ भागूं। तो मैंने फिर अपना पूरा जो जमाना था स्टूडेंटशिप का वो बदल दिया और मैं सीधा साइंस से लिटरेचर में आ गया और मैं उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर पर काम करने लगा और मैं उसको एंजॉय करने लगा। जब से मेरा बचपन से लेकर अब तक मेरा हिंदी उर्दू में रुझान है। अमेरिका में आप कब से हिंदी उर्दू पढ़ा रहे हैं और अब तक आपका पढ़ाने का अनुभव कैसा रहा है? कब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी उम्र ना पूछिएगा। तब से क्या, मैं देखिए जब से यहाँ आया अमेरिका में, तो 1981 में मैं यहाँ आया और जब मैं अंडर ग्रेड कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, तब मैंने टीचिंग असिस्टेंटशिप शुरू कर दी और मैं एक सहायक अध्यापक बन गया, यानी कि टीचिंग असिस्टेंट बन गया। और मैंने 1983 से मैंने इसको अपना करियर समझना शुरू किया। 1987 से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने कोर्सेज किए, उसके बाद PhD की वगैरह वगैरह, लेकिन पढ़ाता रहा साथ साथ में। सो 1987 से पढ़ाता रहा। मेरा अनुभव ये है कि मैं समझता हूँ कि हिंदी उर्दू आपको उतनी अच्छी नहीं आती जब तक कि आप उसे पढ़ाएं नहीं, क्योंकि पढ़ाने में जो सीखा जाता है वो पढ़ने में कम सीखा जाता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये, पढ़ाने में तो ये होता है कि टीचर एक है आपका, आप उससे सीख रहे हैं, लेकिन पढ़ने ये है कि जितने छात्र बैठे हैं सब आपके अध्यापक हैं, क्योंकि उनसे भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। दरअसल मुझसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी जब इस मुल्क में मैं आया, तो मैंने अंग्रेजी भी इन स्टूडेंट्स से सीखी। मेरा सबसे अच्छा अनुभव इसमें यही रहा। और एक अनुभव जो सबसे ज्यादा अच्छा रहा, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, कि जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझको बहुत डिस्करेजमेंट मिला है और बहुत डिस्करेज किया गया और मेरी हिम्मतें बहुत तोड़ी गईं, लेकिन मैं कहता हूं मैं जिद पे था कि मैं हिंदी उर्दू के ही मैदान में हूंगा। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं जो करना चाहता था वो कर रहा हूँ और अभी बहुत कुछ करने को। अब तक आपकी कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हुई हैं, क्या उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे? मैंने शुरू किया था सबसे पहले एक किताब उर्दू थ्रू हिंदी के नाम से, क्योंकि वो तो सिर्फ स्क्रिप्ट सिखाने के लिए थी। जिन लोगों को हिंदी यानी देवनागरी आती है वो नस्तालीक यानी कि उर्दू राइटिंग सिस्टम सीख सकते हैं। एक तो किताब थी, कोई एकेडमिक नहीं थी, आई वुड से स्कॉलरली नहीं थी, एकेडमिक तो आई वुड कॉल के इट इज़,
फिर दूसरी मैंने लिखी, कंपेनियन लिखी, उसमें तन्हाइयाँ, एहसास और अनकही तीन पाकिस्तानी ड्रामों को लेकर लिखी, ताकि वो सेकंड ईयर के लिए जो स्टूडेंट्स को हम बोलना सिखाते हैं तो उसमें एक एपिसोड हम दिखाते हैं जो 45 मिनट का होता है, और उसके बाद जो उसके क्वेश्चनर बनाए मैंने, तो ताकि हम सवाल जवाब कर सकें, क्लास में बोल सकें, और सिनॉप्सिस भी लिखा आने वाले एपिसोड के लिए, ताकि वो पढ़ के आए, ताकि उनको आइडिया हो थोड़ा सा कि इसका प्लाट क्या है। एक तो वो किताब थी उर्दू थ्रू हिंदी थी, दूसरा कंपेनियन ऑफ तन्हाइयाँ, एहसास और अनकही था। तीसरी किताब मेरी जो थी वो है नॉर्थ इंडियन ड्रामे पर, यानी कि इंद्र सभा पर है, अ कोर्ट ऑफ इंद्र, इंद्र सभा, उस पर मैंने वो किताब लिखी है। अब तीसरी किताब और चौथी किताबों पर मैं काम कर रहा हूँ। तीसरी किताब जो मेरी है वो है पारसी थिएटर पर, यानी के 19th century, early 20th century के जो ड्रामे हैं उस पर, जो हिंदी उर्दू के ड्रामे थे, जिसको लोग पहले उर्दू का ड्रामा ही कहते थे, वो पारसीज ने बनाया था, शुरू किया था, और मुंबई से शुरू हुआ था, तो पारसी थिएटर पर मेरा काम है खासकर। और उसका मेरा असली मकसद है उसका ये है कि किस तरह से पारसी थिएटर मेल्टेड इनटू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इन 1913, तो उसके क्या क्या लेफ्ट ओवर्स हैं, जैसे कि मंजूम यानी के म्यूजिकल है, पोइटिकल होते हैं, और उसका टॉपिक जो है रोमांटिसिज्म पे डिपेंड करता है, और थोड़ा सा उर्दूवाइज होता है जैसा बॉलीवुड आप जानते हैं, तो उस पर मेरी किताब पर काम चल रहा है। चौथी किताब जो, तीसरी किताब जो मेरी, मैं बता रहा हूँ, दो किताब काम कर रहा हूँ, जो होगी वो शमा मैगजीन, जो हिंदी उर्दू की शमा मैगजीन, शमा सुषमा के नाम से दो चलती थी बैक टू बैक एक ही पब्लिशर से, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे वो फिल्मी और इल्मी थी, और किस तरह से ये इतनी लाजवाब मैगजीन जो घरों घरों में पॉपुलर थी वो किस तरह से एकदम से गायब हो गई, उस पर काम करूंगा। हमने सुना है कि आप बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि आपको कैसा किरदार मिला है? बॉलीवुड में कदम रखने जा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन अभी कदम इतना मुश्किल हो रहा है रखना। कदम तो मैंने रख दिया था सन 76 में इनफैक्ट, और मैंने गाना शुरू कर दिया था, बॉलीवुड में नहीं, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जो ऑनलाइन आपको मिलेंगे, अमेजोन पे तो सीडीज सेल पे हैं, और 77 में मैंने गाया था जो गाना, वो उसके हैं, सब कबालियाँ वगैरह सब मौजूद हैं। अच्छा, बॉलीवुड के अंदर मेरा रुझान बचपन से ही था, ऑफकोर्स मेरे टीचर्स मुझसे कहते थे ये इल्मी कम है, फिल्मी ज़्यादा है, तो और मैं कहता हूँ कि वेल, फिल्म में भी इल्म है, अगर आप के अंदर अगर इल्म है तो आप फिल्म में भी उसको यूज़ कर सकते हैं बेशक, और फिर इल्म में भी आप फिल्म का मजा ला सकते हैं, क्यों नहीं, इसका सबूत अडोर इनटू हिंदी है, मौजूद है सामने, और अभी तो मेरा प्लान और है। अच्छा एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि एक शकील अख्तर, एक फिल्म मेकर प्रोड्यूसर हैं दरअसल वो, और डायरेक्टर हैं आर के सिंह, उन वो ये मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्म है, और उस फिल्म का नाम मुझे नहीं बता रहे, डायलॉग्स मुझे नहीं दे रहे, बस ये मालूम है कि वो फिल्म बन रही है एक कवि की जिंदगी पर, कवि की जिंदगी पर फिल्म बन रही है, एक शायर की जिंदगी में, और शायर जो है वो शायर शहर निगारा कहा जाता है, यानी कि अलीगढ़ का मशहूर मारूफ शायर जो 40s के ज़माने का, उसका नाम है मजाज लखनवी, असरारुल हक मजाज लखनवी, उसके बारे में मुझे बहुत मालूम हैं, क्योंकि मैं तो अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूँ, अलीगढ़ में बहुत मशहूर है, उनका बहुत मशहूर एक नज़्म है जो आज भी पढ़ी जाती है, और उसको उन्होंने तराना के नाम से मुंसलिक कर दिया है, अटैच कर दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उसमें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप जानते हैं वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम कल्चर नॉट ए रिलीजन, जस्ट लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट ए हिंदू रिलीजन यूनिवर्सिटी, इट्स ए हिंदू कल्चर यूनिवर्सिटी, दीज आर द दे कॉल इट माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज, तो उस यूनिवर्सिटी का जो तराना है वो मजाज लखनवी ने लिखा था, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ते गेसुए सुम्बुल हूँ, बहुत मशहूर था, हम भी उसको स्टेज पर जा जा के ग्रुप के साथ गाया करते थे, फिर मैंने भी एक लिखा
नगमे अलीगढ़ के नाम से जो वो भी आज गा रहे हैं, लेकिन उसका मुकाबला मजाज से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तो उनकी जूतियों की तुफैल में इस काबिल हुआ हूँ कि मैं लिखने लगा। ये वो था, ए अलीगढ़ रूह सैयद, इल्म फ़न के गुलसितां, हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही हम बागवां। और उसका वो है, गर यहाँ गुलची जो आएगा मिटा डालेंगे हम, अपने खून से ये चमन सींचेंगे, सैयद की कसम, अपनी मस्जिद ये अलीगढ़, इल्म है अपना धर्म, जमने ना देंगे यहाँ मौका परस्तों के कदम। बहुत पसंद किया स्टूडेंट्स ने, और आज भी उसको वो तर्ज मैंने बनाई थी और वो चला रहे थे, माफ कीजिए तर्ज मैंने नहीं बनाई थी, तर्ज का अंदाज मैंने बनाया था, तर्ज बनाई थी अली साहब थे एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बहुत बड़े प्रोफेसर और मौसीकार भी थे, उन्होंने उनकी बनाई हुई तर्ज थी, उसमें थोड़ा बहुत मैंने अपना अंदाज डाला। मजाज लखनवी का तराना बहुत आज भी मशहूर है, उनके जरिए लोग मजाज को जानते हैं, और मैं तो मजाज से का बहुत आशिक रहा, उनकी शायरी का, उनका शेर बहुत मुझे पसंद है, वो इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। तो जब मजाज पर फिल्म बन रही थी तो मजाज के लिए लोगों ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह को मजाज बनाया जाए, तो उसमें मजाज की ज़िंदगी जो असली शुरू हुई है वो लेट 30s अर्ली 40s से असलियत में शुरू हुई है, टिल 50s मतलब की डेथ हुई। तो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं तो उसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा उसकी एज को, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे अलीगढ़ का एक बंदा याद है जो मेरे ज़माने में था, और वो मेरे साथ साथ ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे में गया और मेरा रूममेट था, उससे क्यों नहीं बात करने लगा, वो कौन है? बोले वो मालूम नहीं कहाँ है, लेकिन कभी कभी अलीगढ़ में आता है, उसका नाम अफरोज ताज है। तब तक असर नहीं पड़ा शकील अख्तर के जहन में मेरे नाम का, जब वो अलीगढ़ आए उन्होंने कहा मैं अलीगढ़ में मजाज के बारे में, तो दो तीन लोगों ने मेरे नाम बताया कि मैं स्टेज पर एक्टिंग करता था, तो क्यों नहीं उस बंदे को लेते आप? और वो है असली अलीगढ़ का स्टाइल बातूनी नंबर वन, और उसकी शक्ल भी उतनी ही खराब है जितनी मजाज की थी, बस ये वजन लूज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं क्या हाल है मेरा, तो मैंने वजन लूज किया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द मई के महीने में फिल्मिंग शुरू हो जाएगी, एंड ऑफ द मे। मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि जो आर के सिंह साहब की जो पहली फिल्म चल रही है त्याग, उसकी हीरोइन बिल्कुल एंड पे जाके उसका निधन हो गया, इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, उनका नाम था मोना सिंह, और अब सॉरी रूबी सिंह, अब वो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन मेरे बाल बढ़े हुए हैं, वजन में सब खत्म कर चुका हूँ, इंतज़ार में हूँ कब फिल्मिंग शुरू हो। लेकिन उनके बचपन की पहले फिल्मिंग शुरू होगी और जवानी की होगी, उसके बाद जब वो शायर बनते हैं जो मेरी एज पर पहुँचते हैं तब मेरा काम शुरू होगा। मैं समझता हूँ मई के महीने में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये फिल्म जब आएगी और उसमें जब मैं आऊँगा तो मैं पूरा हक निभाऊंगा उसकी शायरी का, चाहे वो लोगों को पसंद आए ना आए, जिस तरह से वो था उसी तरह से बनने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, खुदा हाफिज़।